मंडी संसदीय सीट से भाजपा के मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा की आकस्मिक मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। रामस्वरूप शर्मा के पैतृक गांव जलपेड़ा स्थित निवास स्थान पर परिजनों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। रामस्वरूप शर्मा के बेटे आनंद स्वरूप ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि उनके पिताजी की मौत की सही वजह पुलिस जांच में ही सामने आ सकती है। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आनंद स्वरूप ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे उन्हें इस बात की सूचना मिली और उसके बाद उन्होंने पीए से फोन पर बात की, जिसके बाद ये दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित निवास स्थान पर पीए और कुक ही मौजूद थे, जबकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। आनंद स्वरूप के अनुसार उनके पिताजी पिछले कुछ समय से हार्ट की बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें स्टंट भी पड़े थे, लेकिन वे नियमित रूप से अपना उपचार भी करवा रहे थे और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग थे। उन्होंने कहा कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। माताजी धार्मिक यात्रा पर गई हुई थी और वापस आ रही हैं और वापसी में वे उनका दिल्ली आना था, जिसके बाद उन्होंने वापस घर भी आना था। वहीं आज जोगिंदर नगर के मछियाल शमशान घाट में सांसद रामस्वरूप शर्मा के पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उपस्थित होने की बात भी कही जा रही है। सांसद के निधन के चलते बाजार आज वहां बंद रहेंगे और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सवेरे आया था जी 8:30 बजे आ गया था बड़े भाई का फोन ना कि पिताजी नहीं रहे अभी, तो फिर मैंने पीए को किया था फोन, तो उसने बताया कि सर भी अभी थोड़ी देर पहले जब हम गए तो भी दरवाजे नहीं खोल रहे थे, तब करके हमने बुलवाए पुलिस वगैरह चेक किया तब लगा पता, तो कोई 8:00 बजे आया था मुझे फोन। उसके बाद पहले से बीमार चल रहे थे क्या? बीमार तो उनकी वो स्टंट पड़े होंगे हार्ट में, तो उसके बाद तो ठीक ही थे, वैसे कुछ नहीं था, पर मतलब ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम वगैरह, भाई मैं पेशेंट हूँ हार्ट का, तो मतलब प्रिकॉशन ज्यादा रखते थे बस अपने खाने वगैरह की जी, तो कोशिश तो वो बड़े अवेयर थे अपने लिए, तो परहेज करते थे खाने का बड़ा। वो तो बताएंगे, वो जांच करते पुलिस, उसके बाद ही पता चलेगा, पर अभी तो हमें भी नहीं पता पूरा नहीं जी। मैंने फोन करके पूछा था तो मैंने कहा कि कोई सुसाइड नोट वगैरह था नहीं, पर दरवाजा अंदर से बंद था।